और नाम बताओ जी। हसनुख निकल जाओ, निकल जाओ, हसनुख बुधिया जाओ। दोनों लोग पूछा था तो भिजवा दिया, भिजवा दिया जी सर। तुम हो दे दिया था जी सर। देख लेना इस बार अगर कुछ इनको और व्यवस्था हो सके। हाँ, तो वो भी कर दो। मथर गांव है बिछिया क्षेत्र में, वहाँ पर एक दिन पहले आग लग गई थी जिसमें चार परिवार जो हैं उनकी पूरी झोपड़ पट्टी में जल गए थे। वो खुले आकाश के नीचे थे, तो उस संपूर्ण परिवार का हालचाल लेने, उन्हें अनाज उपलब्ध कराने और अन्य जरूरी सहायताओं को और कंबल वितरण के लिए मैं वहाँ पर स्वयं पहुँची थी। जब हम उन्हें कंबल देकर और बाकी दैवीय आपदा की सहायताएं देकर लौट रहे थे, उस दौरान हम लोगों ने देखा मार्ग में कि एक महिला है और हम लोग इस आशय से वहाँ रुके कि ये महिला खड़ी है और वृद्ध हैं, इनको हम एक कंबल दे सकें। लेकिन जब हम पास गए तो हमने देखा कि उनका जो दायां हाथ है वो एक से साड़ी से बंधा हुआ है और वो एक बल्ली जो एक जो खुली झोपड़ी जैसी थी उसमें बल्ली से वो टिकी हुई है और वो कांप रही है। तो जब पहुंचे तो उन्होंने उसको खुलवाया, ज्ञात हुआ कि महिला का नाम कलावती था और उनकी उम्र लगभग 90 वर्ष थी। और चूंकि उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी तो उनके घर के ही किसी व्यक्ति ने उनको वहां पर बांध दिया था। महिला को खुले आकाश के नीचे खड़ा रखा गया था और वो जो साड़ी का कपड़ा था वो इतना तंग था कि वो महिला नीचे जमीन पर बैठ भी नहीं सकती थी और खुले आकाश से लगातार पड़ रहे आले, ये लगभग 5:30-5:30 बजे शाम की बात है, पाले के कारण जो वो कांप रही थी बुरी तरह, उनकी हड्डियाँ एकदम जैसे कि कांप गई थी। और उनका क्योंकि वो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं थी तो उनका कांपने के कारण जो उनका सिर लगातार उस बर्दी से टकरा रहा था तो उनके कान के पास से खून बह रहा था। ये बिल्कुल अमानवीय कृत्य था। तत्काल ही हम लोगों ने उनको खुलवा के उनको कपड़े पहनवाए और कपड़े पहना के हमने उनको लिटवाया और पता किया कि ये किनकी माँ है। तो उनके दो बेटे निकले और जिन्होंने बताया कि माँ की स्थिति ठीक नहीं और शायद उन्होंने कपड़े कुछ ख़राब कर दिए थे तो इसलिए उनको वहाँ खड़ा कर दिया था और हम लोग आ रहे थे। ये अमानवीय कृत्य होने के कारण तत्काल ही उन दोनों पुत्रों को वहाँ से थाना अजगैर भेज दिया गया जे और उनके ऊपर विरुद्ध FIR पंजीकृत कराई गई। तत्काल ही जब हमने उन्हें कंबल में उठा के लिटाया था तो तत्काल ही 10 मिनट के अंदर ही वो सो गई थी। और मेरी समस्त जनता से यही अपील है इस माध्यम से कि कम से कम अपने बुज़ुर्गों के प्रति अच्छा व्यवहार करें। आपको भी कभी बूढ़ा होना है और आपके बच्चे आज जो ये संस्कार पाएंगे तो वो उसी प्रकार का व्यवहार आपके साथ करेंगे।